गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 4, यदि क 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या कीजिए। ए एंगल से है तो ए इसको मान लेते ए, इसको मान लिए बी, इसको सी। अब एंगल के ठीक सामने का भुजा लंब, एंगल के ठीक सामने की भुजा लंब लिख लिया गया और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो लंब और कर्ण बाकी आधार ये हो गया। अब इसमें हमको दिया हुआ है क्या, चूंकि 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8, इसीलिए कॉट ए बराबर 8 बाय ये कॉट में 15 गुना करता है तो बराबर किधर आएगा, तो ये भाग करेगा, 15 बट्टा 8 बट्टा 15 हो गया। अब लिखेंगे कि कॉट ए बराबर क्या होता है, लाल टका के फॉर्मूला से साइन कॉस टैन और कॉट होगा इसी को उल्ट देंगे, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब बराबर दिया हुआ कितना 8 बट्टा 15, यानी क्या हुआ आधार का अनुपात लंब बराबर दिया 8:15। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसको अनुपात इस तरह का अनुपात दिया हुआ रहता है तो मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, आधार बराबर, आधार के सामने 8 है तो 8 के मान लेते हैं, और लंब दिया हुआ है 15 के करने, लंब के सामने 15 है तो 15 के करने, इसको ब्रैकेट करके लिख दीजिए माना, क्योंकि हम माने हैं कोई के क्या है, तो एक धनात्मक संख्या है, के क्या है, एक धनात्मक संख्या है। अब इसमें देख लेते फिगर को देख लेते हैं, आधार में आ गया 8 के, लंब 15 के। अब फिर देखिए कि फिर इसमें क्या हुआ कि हमको एसी भुजा नहीं मालूम है जो कि कर्ण है, तो हमको कर्ण को मालूम करना होगा। वो कैसे मालूम होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां से लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा के वर्गों के योग, यानी एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर और जोर बीसी का स्क्वायर। देखिए एसी का स्क्वायर तो मालूम ही करना है, कैसे ही लिख दीजिए, एबी देखिए, एबी कितना 8 के का स्क्वायर प्लस बीसी देखिए, बीसी 15 के का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, एसी का स्क्वायर तो निकालना ही, कैसे लीजिए चलते रहिए, फिर 8 के का स्क्वायर काटिए 64 के स्क्वायर, जो 15 हाँ 225, ये सब स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्मूला में बताया गया था, इसे याद ही रहना चाहिए। तो फिर कितना हो गया, एसी का स्क्वायर वैसे ही चले, एसी का स्क्वायर वैसे ही चलेगा और 64 और 225 289 के स्क्वायर हो गया। बस इसीलिए एसी बराबर एसी लेकिन स्क्वायर हटाए तो यहां पर रूट आ जाएगा, तो कितना होगा 289 के स्क्वायर, तो निकलेगा कितना, निकल जाएगा आपका 17 के निकल गया, तो ये 17 के। अब देखते हैं एक बात,
गौर करने वाली बात होती है कि हम बोलते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ 8 के आया, 15 के आया, यहाँ आ गया 17 के, तो स्पष्ट ही हो गया कि संपूर्ण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये बात स्पष्ट। अब हमको देखना है कि मान क्या चीज का निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, क्योंकि अब सब मालूम हो गया, क्या लब भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया और आधार भी मालूम हो गया, तो मान निकालना है साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होगा, लाल काका के फॉर्मूला में आइए, साइन ए पहला वाला बराबर लंब बट्टा कर्ण, लिख लीजिए लंब बट्टा कर्ण, देख लीजिए लंब कितना, आप देखिए लंब 15 के, लंब है 15 के बट्टा कर्ण है 17 के, 17 के कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी निकला 15 बट्टा 17, ये आंसर निकला। फिर दूसरा कहता सेक के, SEC सेक ए, सेक ए, अब देखिए कॉट, अब कॉट के बाद होगा सेक, ये साइन कॉस टैन, अब कॉट सेक इसी को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टा आधार। फिर से लिखता हूं सेक ए, SEC सेक ए बराबर, देखिए फिर समझ लीजिए साइन कॉस टैन, कॉट इस उल्टे का ऐसा ही कॉट सेक ये उल्टे का, तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है देख लीजिए, कर्ण 17 के, 17 यहां लेते हैं 17 के आधार देखिए 8 के, ठीक है के कट जाएगा तो 17/8 हो जाएगा, ये भी आंसर हो गया, दो आंसर निकला, एक आंसर ये निकला, एक आंसर ये निकला। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 भी समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। थैंक यू, टेक केयर।